या विविध लेनदार देनदार उनके पेंडिंग बिलों के रिकॉर्ड को रखने के लिए इस फीचर का यूज़ करते हैं। इसमें चार टाइप के रेफरेंस होते हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस रेफर और ऑन अकाउंट। तो इसका यूज़ क्या है, एक ही कस्टमर को आप 4 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 18 तारीख, 5 तारीख के डेट में माल बेचे हो और उसका पैसा आपको वसूलना है कि इस बिल का पैसा पहले लाना है या इस बिल का पैसा पहले आया है कि नहीं आया है, ये सब देखना है, आ रहा है तो उसको क्लियर करना है, वो सब जानकारी के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट दिया है न्यू रेफरेंस। जब हम किसी प्रोडक्ट का टैली में एंट्री करते हैं तो उस दौरान वह न्यू होता है, तो न्यू रेफरेंस का यूज़ करते हैं। मतलब जब आप नया बिल काटोगे 4 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख का डेट वाला, तो वो नया बिल रहेगा, तो उसे आपको ये सब ऑप्शंस आएगा, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट, एडवांस, ऑन अकाउंट, उसमें आपको न्यू रेफरेंस लेना रहेगा। एग्जांपल के लिए दिया है सेल और परचेस, ये केवल सेल और परचेस में ही लेना है न्यू रेफरेंस को। अगेंस्ट में आ जाता है, जैसे कि अभी मैं बोला न्यू रेफरेंस, अगर अलग अलग डेटों में बिल काटोगे उसका पैसा आप प्राप्त करोगे या पेमेंट करोगे, तो किस बिल का पैसा आ रहा है जा रहा है उसको वहाँ पे आप चूज करने के लिए आपको यहाँ पे ये अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ दिया रहा है। नेक्स्ट एडवांस दिया हुआ है, आप माल खरीदे ही नहीं हो और पहले ही भुगतान कर दिए हो तो वो एडवांस रेफरेंस में जाएगा। ऑन अकाउंट का मतलब है वही, अभी जैसे अलग अलग डेट में माल बेचे हैं 15, 17, 18 का टोटल 50,000, पर सामने वाला भेज दिया हमारे अकाउंट में डायरेक्ट 47,000, तो वो किस बिल का पैसा भेजा है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका सप्लायर के, उस कस्टमर के ऊपर हम ये एंट्री मारेंगे 47,000 का, पर ऑन अकाउंट में डाल के एंट्री मारेंगे ताकि हम उसका मतलब समझेंगे कि अभी हमें किस बिल का पैसा ये पूरा टोटल भेजा है ये नहीं मालूम करके, बाद में पूछेंगे तो वो क्लियर करेंगे, तब जाके हम वहाँ पे एडजस्टमेंट कर, उसको एडिट करके एडजस्टमेंट भी करेंगे, उसके लिए हम ये ऑन अकाउंट का यूज़ करते हैं। नोट में बताया है लेजर में नाम की एंट्री करते समय कंपनी बनाने के बाद मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है, और लेजर में नाम की एंट्री करते समय ये करने से पहले मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है, ये लिख लेना आप लोग यहाँ पे मैं लेजर में बस लिखा हूँ, तो वहाँ पे जो आप लोग अकाउंट में जाते से सेटिंग करने के लिए अकाउंट फीचर में, वहाँ पे भी मेंटेन बिल बाय बिल को नो कर देते हैं, पर अब उसे हमें यहाँ पे यस करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे सेम कंपनी तैयार करना है, अकाउंट 30 11 में जाएंगे सेटिंग करने के लिए, और इस ऑप्शन को हमेशा आप यस करते थे और इसे नो करते थे, पर अब मेंटेन बिल बाय बिल को भी हमें अब इसे यस ही करना है और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला एक और काम करना है, यहाँ पे बिल ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, जो कि हम यहाँ पे जब सप्लायर गुड परचेज फ्रॉम राम से माल खरीदेंगे तो यहाँ पे बिल नंबर दिया है A1, A2, A3 वगैरह, तो ये बिल नंबर हम इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन से वाउचर टाइप से अल्टर से परचेस का पहले बिल ऑप्शन को एडिट करना है, तो परचेस में आकर आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में यहाँ पे आपको पेपर लेना है और एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सेल्स का, क्योंकि सेल्स और परचेस ही नया बिल काटेंगे तो दोनों में आकर ऑटोमेटिक जो दिया है उसको मैनुअल करेंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम वाउचर एंट्री करेंगे यहाँ पे तो ये नंबर 1 जो दिया हुआ है ये एडिट के लिए आ जाता है, जबकि पहले नहीं आता था, उसके नीचे सप्लायर लिखा रहता था वो आता था, तो मैं इसको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ लेजर और वाउचर एंट्री कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है गुड परचेज फ्रॉम राम, बिल नंबर A1, 10,000 का माल खरीदे हैं राम से हम, क्योंकि बिल बना के दिया है A1 का, तो यहाँ पे जस्ट हम F9 में आए और अब हमें इसमें CRDR में एंट्री मारना है,
ठीक है। और ये वाला ऑप्शन पहले नहीं खुलता था जो कि अब चालू हो गया, जो हम वाउचर टाइप में जाके चालू किए हैं। तो A1 यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे भी A1 देना है, दोनों जगह हमें बिल नंबर को देना है। फिर उसके बाद ऑल्ट सी से यहाँ पे लेजर बना लेना है, किसका, राम का, सर्टिफिकेटर मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है बोला है लेजर बनाते समय। और जैसे ही हम यस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट डिफॉल्ट पीरियड में आपका यहाँ पे 11 दिन का टाइम दिया है ये हमें। इसका मतलब क्या है, राम से हम माल खरीद रहे हैं तो राम हमें 11 दिन का टाइम दिया है, मतलब 11 दिन के बाद 12वें दिन में आप हमें पेमेंट कर ही देना करके, तो टाइम दिया है ये 11 दिन, इसको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करते हुए आएंगे यहाँ पे, अमाउंट देंगे यहाँ पे 10,000 रुपये। जैसे ही 10,000 रुपये अमाउंट दिए तो ये मेथड ऑफ वाउचर, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का विंडो ओपन हुआ, जिसमें बोला था मैं नया बिल काटेंगे तो कौन से ऑप्शंस को लेना है बताओ, ये चारों में से कौन सा बिल लेना है? न्यू को लेना है सर। न्यू को लेना है, नया बिल काटेंगे तो न्यू रिटर्न्स लेना है। बिल हमारा ऑटोमेटिक आ गया, 11 दिन जो टाइम पीरियड दिए थे वो आ गया है, 10,000 एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे परचेस का लेजर बनाना है, फिर परचेस कर राम से ही माल खरीद रहे हैं यहाँ पे हम 20,000 रुपये। इसमें हम उसको थोड़ा लंबा टाइम मांगे हैं तो यहाँ पे वो 11 दिन ना करके 15 दिन दिया है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, पर उसमें लेजर में 11 दिन ही सेट रहेगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लो। इसमें और थोड़ा सा टाइम दिया ये 18 दिन, माल था उसमें से 3,000 दिए, A2 में 20,000 का था उसमें 9,000 दिए, A3 में कितने का था इसमें 25,000 दिए। तो F5 में आते हैं, पहले तो हम यहाँ पे राम का अकाउंट DR कौन सा ऑप्शन लेंगे इसमें बताओ। एडवांस दे रहे हैं सर। एडवांस कहाँ से दे रहे हैं भाई, इसको माल बेच चुके हैं ना, 10,000 का बेच चुके हैं ना, अगेंस्ट वाला लेंगे, अगेंस्ट रिफरेंस, माल बेच चुके ना हो गए तो पेमेंट करोगे तो अगेंस्ट लेना है 3,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें 10,000 नहीं देना है, हमें 3,000 देना है। क्लियर हुआ ना यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पे तो आ रहा ना भाई, देखो अभी आ गया। अब ये A2 का बिल का 9,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा बिल है A2 का, तो 9,000 दिए अगेंस्ट रेफरेंस में, ये आ गया बिल नंबर A2, यहाँ पे ले लिए A2 सेलेक्ट कर लिए और एक्सेप्ट कर लिए। फिर वही सेम यहाँ पे 25,000 रुपये, और ये 25,000 रुपये कौन से बिल का पैसा है, A3 का है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए एक्सेप्ट कर लिए, ऐसे हो गया। सेम इसी टाइप से सुहान का करना है तो सुहान को पहले माल बेचना पड़ेगा हमें यहाँ पे B1 बिल नंबर B1 सोहन सैलरी डेटर्स, इसे आपको यस करना है। सोहन को हम 15,000 का माल बेच रहे हैं जिसमें हम टाइम दिए हैं 10 दिन का, कैसे एक्सेप्ट किए। सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा, सेल्स
सेल्स अकाउंट में डालेंगे इसको, कितना अमाउंट का है 15,000 का। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप इस मोड में काम करेंगे तो आपका वो ऑप्शन नहीं आया जो एडजस्टमेंट वाला है ना, तो न्यू रेफरेंस लेने वाला ऑप्शन वो नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे CRDR में ही काम करना है, तब आएगा ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल बी से ऐसे चेंज कर सकते हो वहाँ पे देखने के लिए, मतलब इतना इतना न्यू रेफरेंस लिए हैं कि नहीं लिए। खैर वो न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक पकड़ लेगा वो, नेक्स्ट फिर B2 कितना अमाउंट है 25,000 और क्या है फिर B3 भी पेमेंट सेव करना है, F6 में जाना है, यहाँ पे पैसा प्राप्त होगा इससे। तो सोहन 7,000 रुपये, कौन से बिल का पैसा है, B1 के बिल का पैसा है। और फिर सोहन 12,000 रुपये, ये कौन से बिल का पैसा है, B2 का। हाँ अगेंसी लेंगे ना, ये है ना अगेंसी बिल। सोहन 21,000 रुपये, ये आपका B3 के बिल का पैसा है। अगेंस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें छांटना है कि इस बिल का पैसा है करके और बताना है, इसीलिए दूसरा लेंगे तो नहीं आने वाला, दूसरा गलत आ जाएगा। बस ये हो गया टोटल, टोटल हम लेन देन किए हैं।